सही मानों में कहा जाए, सही मानों में, तो बिलीव मी और नॉट, इंडिया हैज क्रिएटेड हिस्ट्री, इंडिया हैज ऑलरेडी क्रिएटेड हिस्ट्री, बिलीव मी और नॉट, इंडिया हैज ऑलरेडी वन दिस मैच, मोरली मोरल वाइज एंड ईटीसी, इंडिया हैज वन दिस मैच। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोहेब इकबाल और आप देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ हम आपको सच बताते हैं, यहाँ आपको न्यूज देते हैं और एनालिसिस देते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स। और आज इस शो में इंडियन क्रिकेट टीम पे बात करेंगे, इंडिया ने कमाल कर दिया, इसके ऊपर आपसे डिस्कशन होगी। इंडिया एक बड़ी जीत की तरफ जा रहा है, मेरे हिसाब से तो जीत गएगा, सारा सीन लगता है उस पर बात करेंगे, मोहम्मद सिराज की इंस्पायरिंग स्टोरी पे बात करेंगे, और मुझे क्यों लग रहा है कि इंडिया जीत गया, मुझे क्यों लगता है कि इंडिया ने हिस्ट्री बना दी, ये तो हर बंदे को लगता है लेकिन क्यों, इस पर बात करेंगे। बात का आरंभ करते हैं, इंडिया ने हिस्ट्री कैसे बनाई भाई जान, इतना रेसिज्म भाई साहब, इतना वो कहते हैं तंग किया जा रहा है इंडियन क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया में, हर बंदे से बयान दिलवाए जा रहे हैं कि इंडिया तो जीत नहीं सकता है, उसके बावजूद इंडियन क्रिकेट टीम ने 36 पे ऑल आउट होके अगला मैच जीता, उससे अगला मैच इंजरीज के बावजूद ड्रॉ किया, और आज का ये मैच इंडिया ने गाबा में कमाल की फाइट दिखाई और ऑस्ट्रेलिया को रोने वाला कर दिया, कहूं तो गलत ना होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को रोने वाला कर दिया इंडिया ने, और कमाल कर दिया है इंडिया ने, और मजा दिला दिया है इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने सही मानों में बताया क्रिकेट खेली जाती है जज्बे से, क्रिकेट में परफॉर्म करने के लिए आपको टैलेंट और जज्बा सही, और यू कैन डू दिस, एंड इंडिया डिड इट, इंडिया डिड दिस थिंग, कमाल किया इंडिया ने, और इंडिया ने शो करवाया कि हम इंजरी से नहीं घबराएंगे, तो रवि शास्त्री हैं उनको भी क्रेडिट जाता है, उन्होंने इंजरी से नहीं घबराए, उन्होंने ये एक्सक्यूज नहीं डाला कि हमारे इंजरी इतने हैं, हमारे पास विराट कोहली नहीं है, हमारे पास बुमराह नहीं है, हमारे पास विहारी नहीं है, हमारे पास हमारे कैप्टन कोई बॉलर नहीं है, हमारे पास इंडिया की डी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है, एक एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप में, फिर भी इंडिया की टीम ने टेस्ट मैच में 20 विकेटें लेके दी हैं आपको, एंड दैट इज वेरी वेरी बिग थिंग, और इंडिया मोरली ये मैच जीत चुकी है, मोरल वाइज ये मैच इंडिया जीत चुकी है, मोरल वाइज इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, सबक दिया इंडिया ने हर टीम को कि इफ यू हैव द विल यू कैन डू दिस एंड यू विल डू दिस, एंड इंडिया डिड इट, एंड इंडिया हैज डन इट, फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इस मैच का नतीजा जो भी हो, अगर बारिश हो जाती है तो भी मेरे हिसाब से इंडिया ने इस मैच में विक्ट्री हासिल की है, अगर ड्रॉ होता है अगेन आई विल से इंडिया ने इस मैच में विक्ट्री हासिल की है, और आई डोंट थिंक, मेरी गट फीलिंग कह रही है, पता नहीं क्यों कह रही है, लेकिन कह रही है कि ऑस्ट्रेलिया कैन नॉट विन दिस मैच, मुझे लग रहा है या ड्रॉ होगा या बारिश हो जाएगी या इंडिया जीतेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। तो इंडिया ने लिटरली प्रूव किया है कि व्हाट इज इंडिया मेंट फॉर, व्हाई इज इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, व्हाई इज इंडिया बेस्ट एशियन टीम इन द वर्ल्ड, व्हाट इज इंडियाज बेस्ट स्ट्रेंथ, ये इंडिया ने प्रूव किया है अपनी डी टीम में, कहूंगा ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाके, ऑस्ट्रेलिया को अगर कहा जाए फेंटा लगा दिया तो गलत ना होगा, ऐसा ही किया है इंडियन क्रिकेट टीम ने, एंड वी प्रेज इंडियन क्रिकेट टीम फॉर दिस, एंड वी विल वांट कि अगर इंडिया कल जाए तो जीत पर जाए, इंडिया जीत के साबित करे माइकल वॉर्न, रिकी पॉन्टिंग और जो भी ऑजीज हैं जिनको लग ही नहीं रहा था कि इंडिया टीम है, कि इंडिया इज द रियल टीम, इंडिया हैज द रियल पावर, दे कैन बीट ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया विदाउट देयर की प्लेयर्स, इससे सबक मिलता है मिसबाह उलहक साहब को भी, मिसबाह उलहक साहब के पास 100 बहाने होते हैं, अब क्या बहाने हैं मिसबाह उलहक साहब आपके पास, ये भी एशिया की टीम है बल्कि आपकी पड़ोस की टीम है, उसने अपने मेन प्लेयर्स के पास आधी से ज्यादा इंजर्ड टीम के पास 80% टीम के बगैर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टफ टाइम दिया है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में कमबैक किया है, कमबैक करती है इंडिया और आपके हाथ में मैच हो तो आप दे जाते हैं दूसरी टीम को, ये सीखने वाली चीज है, फिर आके लेम एक्सक्यूज इंडियन टीम नहीं देती है, ना उनकी मैनेजमेंट देती है, ना वो नटराजन को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजेंगे, वो वॉशिंगटन सुंदर को उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं भेजेंगे अगर वो हारे हुए, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो आपने नोट की, ये डिफरेंस। अब आप बात करें मोहम्मद सिराज पे, मोहम्मद सिराज एक प्राइम एग्जाम्पल है, मैं कहता हूँ हर बंदे के लिए, मोरली मोरल वाइज इफ यू टॉक अबाउट, स्ट्रेंथ वाइज इफ यू टॉक अबाउट एनीथिंग, बहुत अच्छी प्राइम जो कहते हैं ना, वो है एग्जाम्पल आपके मोहम्मद सिराज। यू नो वाई, बिकॉज मोहम्मद सिराज जब आए तो उनके फादर की डेथ हुई, वो वापस नहीं गए, वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, उनको पता नहीं था कि वो हर मैच खेलेंगे टेस्ट का, लेकिन उन्होंने खेला, एंड मोहम्मद सिराज स्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन
उन पर रेसिज्म हुआ। रेसिज्म पे भी उन्होंने जवाब नहीं दिया क्राउड को, उन्होंने जवाब दिया तो अपने अपने बॉल से दिया जवाब, अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। 5 विकेट ली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एंड गाबा इन एन हिस्टोरिकल टेस्ट मैच। आई विल से दैट हिस्टोरिकल टेस्ट मैच, हिस्टोरिकल टेस्ट मैच में 5 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिए। प्राइम एग्जाम्पल। आई होप आपको ये वीडियो आई होगी पसंद। वीडियो आई पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें यार, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के आज हमारे 1.4K सब्सक्राइबर्स तो करवाए ना, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।